डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस जैसा कि इसके पहले यूनिट नंबर टू में हमने स्टडी किया था इक्वेशंस ऑफ मोशंस और काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन सिंपली इसको दोनों नाम से जाना जाता है काइनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आर सिंपली इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं जो कि हमारे पास इक्वेश्स क्या थे वह थे व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस दिस इज द इक्वेश ऑफ मोशन और काइनामेटिक्स इक्वेश ऑफ मोशन सेम पैटर्न का यूज करते हुए हमें करना क्या है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन फाइंड आउट करना है तो जैसा कि सर्कुलर मोशन में हमने इसके बारे में कुछ टर्म को जो है स्टडी किया था तो हम कंसिडर कर ले कोई बॉडी है जैसे यहाँ पर कोई फिक्स कोई पॉइंट है इसके अबाउट कोई बॉडी ऐसे रोटेट करे क्या कर रही है रोटेट्रिव मोशन कर रही है रोटेट्रिव मोशन कर रही है जिसके इनिशियल ब्लास्ट हम क्या कंसिडर करें ओमेगा नाट ठीक और जो रोटेट कर रही है उसकी एक्सलेशन कौन सी एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन अल्फा हो तो आफ्टर टाइम टी तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा होता है एंड फाइनल एंगुलर एंगुल्लास्टी ओमेगा हो जाती है तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेंगे सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे दैट सेट ऑफ इक्वेश्ड द रोटेशनल मोशन एट द सेम पैटर्न अकॉर्डिंग टू द जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया है ठीक ना ये फार्मूला हमारे पास का है इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी प्रकार की भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है ठीक ये लीनियर बिलास लीनियर मोशन के लिए है मोशन इन स्ट्रेट लाइन यही चैप्टर था हमारे पास ठीक और ये रोटेटरी मोशन के लिए है रोटेशनल मोशन के लिए ठीक अब क्या करने वाले हैं हम इन इक्वेश को डिराइव करने वाले हैं इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं तो फर्स्ट इक्वेशन जरा देखें क्या है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी मिल रहा है ठीक तो हमारे पास ये मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नाट प्लस अल्फा टी इस इक्वेशंस को हमें डिराइव करना है ठीक तो डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सलेशन का बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सलेशन हम क्या जानते हैं हम डिफिनेशन जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू तो डी ओमेगा अपॉन डी टी मीन डिफिनेशन क्या है एंगुलर एक्सलेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर ब्लास्टी तो ओमेगा क्या है एंगुलर एंगुलरब्लास्टी है वह डी ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन एंगुलर ब्लास्टी एंड टाइम डी टी का वेरी स्मॉल टाइम को ठीक और जरा देखें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी लिख सकते हैं अब यहाँ तो हमने जैसे बताया कि डी ओमेगा क्या है स्मॉल चेंज इन एंगुलर ब्लास्टी है बट क्या चाहिए हमें तो कंप्लीट एंगुलर एंगुलस्टि चाहिए ये इक्वेश्स ओमेगा चाहिए तो क्या कर दें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें क्या कर दें इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पर जरा देखें हमारे पास जो केस मिलने वाले हैं इंटीग्रेट कर दें एट तो लिमिट क्या मिल जाएगा एट टी इज इक्वल टू जीरो हम ओमेगा ले लेते ले ले हैं ओमेगा नाट ठीक न ना? हमारे पास क्या मिल जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू तो ओमेगा नाट मिल जाएगा एंड टी इज इक्वल टू अगर टाइम टी हो जाता है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा तो इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक देयर फोर क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से मिल जाएगा हमको डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी लिमिट क्या होगा ओमेगा लोअर लिमिट क्या है तो ओमेगा नाट है अपर लिमिट क्या है तो उमेगा है यहाँ पर टाइम वाला टी के फंक्शन में क्या है लोअर लिमिट जीरो है अपर लिमिट टी है इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आर यहाँ पर मिल जाएगा उमेगा और अपर लिमिट मिल जाएगी ओमेगा और लोअर लिमिट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर डी का इंटीग्रेशन टी मिल जाएगा अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो मिल जाएगा ठीक ये सिंपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यहाँ पर टर्म यूज किए जाने वाले हैं तो जैसा कि इसके पहले हमने भी इसके बारे में क्या डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशन क्या होते हैं डिफरेंशिएशन क्या होते हैं ठीक अगर किसी को कोई डाउट है तो पुराना वीडियो जो है उसको देख लें हम उसके लिंक को भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ठीक और यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको जब ब्रैकेट को ऊपर इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे ब्रैकेट तो, लिमिट पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन में लिमिट को पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ओमेगा माइनस ओमेगा नाट इज इक्वल टू अल्फा हो गया और यहाँ क्या मिल जाएगा टी माइनस जीरो मिल जाएगा ठीक आर क्या मिल जाएगा तो यहां पर जरा इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नाट यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस अल्फा टी मिल गया ठीक दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यही तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिराइव कर दिया ठीक दिस इज द इक्वेशंस इक्वेश सॉरी दिस इज द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन कौन सा इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है क्या है फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का ठीक हम यहाँ पर अब सेकेंड इक्वेश्स को सॉल्व करने वाले हैं ठीक तो जरा सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है तो जैसा हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन ये है वो क्या है तो वह है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ठीक है इसको हम क्या करने वाले हैं डिराइव करने वाले हैं तो यहाँ भी जरा देखें कुछ हम डिफिनेशन से तो बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नो दैट बाय द डिफिनीशन ऑफ एंगुलर ब्लास्टी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी यस जब डिफिनेशन दिया गया था क्या कहा गया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर ब्लास्टिक ठीक यू मिलेगा आर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी बट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया क्या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी तो यहाँ पर मिल जाएगा डी टी यहाँ सॉरी बट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नाट प्लस अल्फ़ा टी दियर फोर डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ओमेगा नाट प्लस अल्फ़ा टी और यहाँ पर डी टी आ जाएगा ठीक अब यहाँ क्या करना है अगेन हमें वही कार्य करना है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है ठीक तो इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या करना होगा पहले लिमिट फाइंड आउट करना होगा कि लिमिट क्या मिलेंगे ठीक है तो अब यहाँ जरा देखें अगर जब टाइम हमारे पास जीरो था ठीक एट टी इज इक्वल टू जीरो ठीटा इज इक्वल टू जीरो डिसप्लेसमेंट हमारे ठीक एंड हमें क्या मिल जाएगा टी इज इक्वल टू टी तो ठीटा इज इक्वल टू ठीटा हमारे पास ही मिल जाएगा ठीक तो जरा यहाँ पर देखें यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास मिल रही है इसकी वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं ठीक क्या मिल जाएगा देयर फोर इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा डी ठीटा यहाँ पर लिमिट क्या थी ठीटा करस्पॉन्डिंग जीरो है और ये ठीटा है इधर क्या मिल जाएगा तो इधर हम इधर हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी और डी टी मिल जाएगा यहाँ पर लोअर लिमिट टाइम का क्या है जीरो है अपर डी है ठीक अब क्या करना होगा हम इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ओमेगा को बाहर कर देते हैं अरे जीरो टू टी हो जाएगा डी टी आ हाँ जाएगा देखें अरे आएगा ओमेगा डी टी आएगा तो ओमेगा को हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर देखे हो क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हो सकता है क्योंकि टाइम का फंक्शन नहीं है प्लस इसी प्रकार यहाँ अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा जीरो टू टी हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा टी डी टी अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट इसका डी ठीटा का इंटीग्रेशन ठीटा अपर लिमिट ठीटा लोअर लिमिट जीरो इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ पर मिलेगा डी टी का इंटीग्रेशन टी ठीक और यहाँ पर लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी प्लस अल्फ़ा बाहर आ गया और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी ठीक तो वैल्यू को पुट कर दें दिस इंप्लाई दैट यहाँ क्या मिल जाएगा थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा ओमेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा टी माइनस जीरो प्लस यहाँ देखें वन अपॉइंट टू बाहर आ जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा टी स्क्वायर माइनस जीरो दिस इम्प्लाईज दैट क्या मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिल जाएगा ओमेगा टी ठीक है ओमेगा अलरेडी था सॉरी एक बात यहाँ से छूट गया ये ओमेगा नाट था ना तो यहाँ भी ओमेगा नाट पुट करना था हमको इसलिए यहाँ भी ओमेगा नाट पुट करेंगे ओमेगा नाट पुट करेंगे ओमेगा नाट पुट करेंगे इसलिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा ओमेगा नाट टी आ जाएगा प्लस हाफ अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा ठीक तो ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है क्या है ये तो फर्स्ट सॉरी सेकंड इक्वेशन ये हमारे पास क्या सेकंड इक्वेशंस है ये तो हमें डिराइव करना था तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस जो डिराइव करना था उसको हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया वेरी वेरी सिंपल मेथड से इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हुए नाउ थर्ड इक्वेशंस देखते हैं तो यहीं पर हम थर्ड सॉल्व कर लेते हैं बगल में ठीन ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट प्लस अल्फा टू अल्फा सॉरी थीटा ठीक तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा है जो फर्स्ट इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे वही सेम पैटर्न का यूज करना है यहां भी क्या अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा पांडेट मीन्स बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सलेशन वही क्वेश्चन का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अगेन तो ये क्या मिल जाएगा बाय द डिफिनीसन ऑफ एंगुलर एक्सलेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपन डी टी और इसको चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा अपन डी टी इन टू क्या यहाँ पर हम डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें क्या डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें डी थीटा से डिवाइड कर दें और अब क्या लिख सकते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू इसको इंटरचेंज करना चाहें डी ओमेगा पॉन डी थीटा इन टू डी थीटा पॉन डी टी नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं अरे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा पॉन डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर टू एंगुलर एक्सलेशन ठीक तो इसको हमने क्या कि किया डी थीटा से मल्टीप्लाई किया डी से डिवाइड किया ठीक वैल्यू वन आएगी हमने इन दोनों को इंटर चेंज कर दिया ठीक और क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डी ओमेगा पॉइंट डी थीटा तो रह जाएगा बट ये डी थीटा पॉइंट डी टी होता है ओमेगा होता है ठीक ना ये अल्फा है आर क्या लिख सकते हैं अब जरा देखें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाने वाला क्या तो ये मिल जाएगा ओमेगा डी ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा डी थीटा मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा ठीक तो हमने क्या किया इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया ठीक अब क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पर वहीज़ करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा डी थीटा ठीक अब यहाँ पर जो लिमिट मिलने वाली है लिमिट क्या मिलने वाली है तो जैसा हम जानते हैं कि जब बॉडी रोटेटरी मोशन करती है रोटेट करती है तो इनिशियल जो बेलास्टी थी वो क्या थी ओमेगा ओमेगाट थी फाइनल क्या थी ओमेगा थी सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या था इनिशियली जीरो हमने कंसिडर किया और फाइनल थीटा कंसिडर कर लिया ठीक तो हमारे पास लिमिट मिल गया तो यहाँ पर जरा देखें अब इसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कहाँ मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ यूज करते हैं तो ओमेगा का इंटीग्रेशन मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू और लिमिट जो मिलेगा वो मिल जाएगा क्या ओमेगा और यहाँ पर ओमेगा नाट इज इक्वल टू इसका अल्फ़ा तो बाहर आ जाएगा और यहाँ डी थीटा का थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा जीरो टू थीटा ठीक आर क्या मिल जाएगा तो ये टू को बाहर कर देते हैं और यहाँ पर क्या लिमिट को पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इस इक्वल टू तो अल्फ़ा और थीटा माइनस जीरो मिल जाएगा और इस वन अपॉइंट को इधर ट्रांसफर कर दें तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इस इक्वल टू टू अल्फा थीटा क्योंकि माइनस जीरो है ठीक तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दे फोर इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये मिल जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नाट स्क्वायर प्लस टू थीटा ये तो हमारे पास थर्ड इक्वेशंस हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो मिल रहा है ये है क्या ये थर्ड इक्वेशन जो हमें सॉल्व करना था वही हमारे पास इक्वेशन मिल गया तो ये रहे हमारे पास थ्री रोटेशनल थ्री ना थ्री थ्री इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन जो हमें सॉल्व करने थे हमने देखा ये जो थ्री इक्वेश दिख रहे हैं इस थ्री के सेम पैटर्न पर हैं कामेटिक्स इक्वेशनस ऑफ मोशंस का ठीक तो ये मिल गए हमारे पास क्या काइनामेटिक्स इक्वेश्स ऑफ मोशन और ये मिल गए इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू